राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं और ऐसे में जो तमाम समस्या है उभर कर सामने आ रही है। बात प्रदूषण की करें, बात राजधानी दिल्ली की बदहाली की करें, तो तमाम तरह की समस्याएं हैं आम जनमानस की है वो सामने आ रही है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश गहलोत जी। सर क्या कहना चाहेंगे, प्रदूषण लगातार दिल्ली में बढ़ता जा रहा है और इस समय आरोप और प्रत्यारोप की भी राजनीति चल रही है, आप किस तरह देख रहे हैं इसको? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि दिल्ली इस समय देश के सबसे अन्य शहरों में सबसे प्रदूषित शहर है और ये इस बार है ऐसा नहीं है, प्रत्येक वर्ष पिछले लंबे समय से इन दिनों में दिल्ली प्रदूषित होती है। और आम आदमी पार्टी में जो दिल्ली की दिल्ली सरकार है वो हमेशा झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर हर बार कभी पराली का नाम लेते थे, कभी पंजाब का नाम लेते थे, कभी हरियाणा का नाम लेते थे। आरोप प्रत्यारोप की जहाँ तक आपने बात की, वो आरोप प्रत्यारोप वर्तमान में दिल्ली सरकार कर रही है, कोई उपाय ना करने के अलावा सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति वो लोग कर रहे हैं। उन्होंने कोई भी उपाय दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए नहीं किया। जिस तरह से आप देख रहे हो, लंबे समय से चाहे यमुना हो, हमेशा केजरीवाल जी बोलते हैं अब की बार हम यमुना को साफ करेंगे, अगली बार पूर्वांचल के भाई बहन उसमें छठ मनाएंगे, लेकिन दिन प्रतिदिन लगातार पिछले 11 साल से जो यमुना की गंदगी है वो लगातार बढ़ती चली गई है। आज बहुत शर्म के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि देश की राजधानी दिल्ली रहने लायक नहीं बची है, बहुत प्रदूषण है और उसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार अगर कोई है तो दिल्ली की सरकार जिम्मेदार है। कोई कदम दिल्ली वासियों के लिए उन्होंने नहीं उठाया। सर बात करें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लगभग 10 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में जगह जगह पर समस्याएं आ रही है, मुफ्त पानी को लेकर काला पानी आ रहा है, सड़कें टूटी फूटी हैं और तमाम तरह की समस्याएं हैं, तो क्या लग रहा है इन 10 सालों का जो कार्य विकास है किस तरह देखते हैं आप? मैं आपको बता दूं, 10 साल क्या, दिल्ली में तो लगभग 11 साल होने जा रहे हैं। तीसरी बार इस समय दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। बड़े बड़े वायदे करके जो लोग दिल्ली की सत्ता में आए थे, दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने की बात करने वाले लोग सत्ता में आने के बाद भूल गए। आप देखो, किसी गली में चले जाओ, किसी कॉलोनी में चौराहे पर चले जाओ, चारों तरफ कूड़े के ढेर पड़े हैं, सभी सड़कें लगभग 100% सड़कें टूटी पड़ी हैं। पिछले लंबे समय से, जिस दिन से दिल्ली में दिल्ली नगर निगम आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, आम आदमी पार्टी का मेयर बना है, उस दिन से नालों की सफाई नहीं हो रही, सभी नालियां बड़े नाले भरे पड़े हैं। तो दिल्ली को लंदन और पेरिस की बनाने की जो बात कर रहे थे वो लोग, दिल्ली को उन्होंने सलम से भी बदतर बना दिया। आज मैं कह सकता हूँ, एक समय था जब जे कॉलोनी झुग्गी झोपड़ी में लोग नरकीय जीवन जीते थे, आज पूरी दिल्ली का यही हाल है कि नरकीय जीवन जीने पर हम लोग मजबूर हैं। सर आपके ही विधानसभा के जो विधायक हैं नरेश बालियान जी, उनका भी कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट आया था कि उत्तम नगर की सड़कें हैं टूटी हुई है, अगर हमारी सरकार फिर से बनती है तो हेमा मालिनी के गालों की तरह इस सड़कें बना दी जाती है, किस तरह देखते हैं आपसे? ये लोग हमेशा नशे में रहने वाले लोग हैं, पता नहीं किस प्रकार का नशा करते हैं। जो महिलाओं को अपने घर की बहन बेटियों की इज्जत नहीं कर सकते, वो महिलाओं की इज्जत क्या करेंगे? 4.5 साल 4.5 साल नशा करते हुए सत्ता के नशे में चूर रहने के बाद 2 महीने पहले 3 महीने पहले निकलते हैं और उल्टी सीधी सड़कों का निर्माण रातों रात, कहीं 1 फुट सड़क ऊपर उठ गई है, कहीं 2 फुट उठ गई है, बेचारे लोग जो मकान बनाने में कितनी कठिनाई होती है और हर 5 साल में उनका मकान जिस प्रकार से ये रातों रात अपनी भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए लीपा पोती करते हैं वो बिल्कुल निंदनीय है। और नरेश बालियान के बारे में तो मैं इतना कह सकता हूँ कि इस आदमी को तो इतनी अकल ही नहीं है कि किसके बारे में कब और क्या बोलना चाहिए। जिस दिन उन्होंने ये टिप्पणी की थी हमने बिल्कुल निंदा की, हम महिला सम्मान के समर्थन में रहते हैं, महिलाओं का हमेशा सम्मान होना चाहिए, उसके विरोध में हमने प्रदर्शन भी किया, हमारी सांसद कमलजीत शेरावत जी ने भी, हम सब ने मिल करके उत्तम नगर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं ने, बहनों ने नरेश बालियान से या तो गलती मांगने की बात की थी या इस्तीफा देने की बात की थी और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, महिलाओं का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। ठीक है, इस इलाके में सर बहुत सारी समस्याएं हैं, इस बार चुनाव भी बेहद करीब है, क्या कुछ ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं जिसको फुलफिल करके भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से यहाँ पे चुनाव लड़ सकते हैं आम आदमी पार्टी की टक्कर में? पिछले 11 साल में यहाँ केवल और केवल मुद्दे ही रहे, समाधान एक भी नहीं हुआ। हम तो
यहाँ के विधायक से पिछले 10 साल का हिसाब मांगते हैं। नरेश बालान जवाब दो, 10 साल का हिसाब दो, पिछले 10 साल में तुमने क्या किया। 10 साल में इस क्षेत्र में जो देखने को मिला है केवल और केवल भ्रष्टाचार, गैंगवारी को बढ़ावा, यहाँ पर कॉलोनियाँ काटना, यहाँ पर इनलीगल उगाही करना, ये तो विधायक की उपलब्धियाँ। क्षेत्र के लोग जिस प्रकार से टूटी सड़कों से गुजरते हैं, 1 घंटा अगर आप इस पूरी विधानसभा में स्कूटी पर घूम लें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतना पोल्यूशन शरीर के अंदर जाता है, डस्ट सड़कों पर है, टूटी पड़ी है, कूड़े के ढेर हैं, उनसे बदबू जो निकलती है, तो शाम तक आदमी बीमार होने की संभावना होती है। पिछले 10 साल में विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर कोई काम नहीं किया। पिछले साल चुनाव में याद है उन्होंने बोला था कि मैं उत्तम नगर सड़क की जो मेन नजोगढ़ रोड है उसको जाम मुक्त करूंगा। पिछले 10 साल में दिल्ली सरकार की तरफ से, यहाँ के विधायक की तरफ से कोई एक भी प्रयास नहीं हुआ। हाँ, यहाँ पर जो ग्रिल लगी हुई थी उसको भी यहाँ के विधायक ने चोरी करवा दिया। आपको ध्यान होगा एक बड़ा स्कैम उन्होंने किया, पहले उन लोहे की ग्रिल को उखाड़ा गया के बदले में सीमेंट की लगा रहे हैं और वो सीमेंट की भी अगले दिन चोरी हो गई। तो इनका तो केवल एक ही मकसद है, किस प्रकार से पैसा कमाया जाए, किस प्रकार से, चाहे वो भ्रष्टाचार के रूप में, चाहे वो चोरी करके हो, कुछ भी करना पड़े, लेकिन विकास के नाम पर इन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कृष्ण गहलोत जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि इस इलाके में 10 साल के कार्यकाल में आम आदमी पार्टी ने कुछ काम नहीं किया, केवल किया है तो केवल उगाही, लोगों को परेशान और तमाम जो जन समस्याएं हैं उस पर कोई काम नहीं किया। ऐसे में विधानसभा चुनाव करीब हैं, अब देखना दिलचस्प हो ये होगा कि आखिरकार जब यहाँ से जो भी कैंडिडेट जीता है तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे और जनता के लिए क्या कुछ खास काम किए जाएंगे। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com दिल्ली।